गणेश चतुर्थी से स्थापित शहर के विभिन्न पूजा पंडालों में गणेश जी की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। गणेश जी की मनोहर झांकियां शहर के हर गली मोहल्ले और चौक चौराहों पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती नजर आ रही हैं। धर्मशाला बाजार स्थित भरत मिलाप चौराहे पर श्री श्री गणेश पूजा महोत्सव में दुर्गा एसोसिएशन की ओर से धर्मशाला बाजार के भरत मिलाप चौराहे पर धर्मशाला के महाराजा के नाम से भव्य भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की गई है, जहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ दर्शन करने के लिए उमड़ रही है। 10 दिनों तक चलने वाले गणेश पूजा को देखने के लिए भक्तगण अपने अपने परिवारों के साथ पूजा पंडालों में भगवान गणेश की पूजा आराधना करने पहुंच रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए गौरी पुत्र गणेश की अर्चना कर रहे हैं। इस अवसर पर श्री श्री गणेश पूजा महोत्सव में दुर्गा एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्णकांत गुप्ता सोनू और दर्शन करने आए भक्तगण दुर्गेश गुप्ता, नीतीश कुमार गुप्ता और विनय कुमार वैश्य ने कहा। नाम कृष्णकांत गुप्ता सोनू है। सोनू भाई, मूर्ति कब से बैठा रहे हैं और किस संगठन? ये श्री श्री गणपति पूजा महोत्सव नव दुर्गा एसोसिएशन के नाम से हमारी संगठन है, संस्था है। ये विगत 2012 से लगातार धर्मशाला बाजार भरत मिलाप चौराहे पे गणपति महाराज दर्शन भक्तों को दे रहे हैं। इसकी शुरुआत विगत उससे पहले 2012 से पहले 5 वर्ष अपने घर पे रखने के बाद इन्हें हम लोग चौराहे पे लाने का कार्य किया है। तब से भव्य रूप में भव्य प्रतिमा बैठी जा रही है। दिन और ये हम लोग की लगातार 10 दिन दो तक पूजा अर्चना के बाद 11वें दिन विसर्जन होता है। नीतीश कुमार गुप्ता। नीतीश जी, मूर्ति देखने निकलेंगे, कैसा लगा आपको? शहर में हम बहुत मूर्तियाँ देखे हैं, ये मूर्ति थोड़ा अन्य मूर्तियों से भव्य मूर्ति है और यहाँ पे पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं। मूर्ति अच्छा है, पंडाल भी अच्छा सजा है और हर जगह से अच्छा है ये मूर्ति। दुर्गेश गुप्ता। गणेश प्रतिमा देखने निकले थे हम लोग और टहलते हुए धर्मशाले पे आ गए, यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ की मूर्ति, यहाँ की पूजा काफ़ी भव्य तरीके से लोग कर रहे हैं, यहाँ काफ़ी आस्था है लोगों की और इन लोगों ने बताया कि समाज उत्थान के हेतु हम लोग ये पूजा करते चले आ रहे हैं। गणपति बप्पा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, करते रहेंगे। विनय कुमार वैश्य। बहुत अच्छा लग रहा है और पूरे शहर में इसी तरह का माहौल है और हम लोग 10 दिन तक बप्पा की सेवा में सभी भक्त लगे हुए हैं। उन लोग के जो भी सजावट उन लोगों ने किया है बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरे शहर का वातावरण बहुत ही अच्छा करके हम लोग अति प्रसन्न हैं और बप्पा का आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं।